नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लंबे समय से देश दुनिया में तांडव मचा रहे कोरोना के कहर में अब थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 18,166 मामले सामने आए हैं, जबकि वहीं 214 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कुल आंकड़ों की बात करें तो 2,30,991 लोगों का इलाज अब भी जारी है। देश में बीते एक दिन में कोरोना के सक्रिय मामलों में 5,672 मरीजों की भारी गिरावट आई है। इसके अलावा संक्रमण का कुल आंकड़ा 3,39,53,475 में पहुंच गया है। बता दें कि शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 19,740 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 248 मरीजों की जान गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमण के इस दौर में लगातार 16वें दिन 30,000 से कम मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,624 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरीके से भारत का रिकवरी रेट अब 97.99% पर बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की कुल संख्या 4,50,589 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उपचार अधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,30,991 हो गई है, जो 208 दिनों में सबसे कम है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में कुल 12,83,212 नमूनों की जांच की गई है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 94,70,10,175 खुराकें भी दी जा चुकी है। तो इस तरीके से ये खबर आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर खबर कही जा सकती है, लेकिन कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, उचित दूरी बना करके भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।